हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज एक सुपर फोन का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और बहुत ही लंबा समय के बाद फाइनली मुझे ये बॉक्स मिल चुका है और बहुत दूर से लाना भी पड़ा क्योंकि अपना यहाँ पे रेड जोन था उसके वजह से। और बाकी का बातें बाद में करेंगे, चलिए फटक पहले अनबॉक्सिंग करते हैं बिना देरी किए हुए। ये बिल उसका, इसका ऊपर और एक रिपोर्ट है तो भी हटा देते हैं। फाइनली मी 11 अल्ट्रा मेरे हाथ में आ चुका है। इसमें उसके बारे में दिया हुआ है 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 12 एमोलेड डिस्प्ले, फ्लैगशिप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, सपोर्ट 67 वाट वायरलेस एंड वाइड चार्जर। बाकी इसका खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं अंदर में क्या है। ये जो मज़ा है ना करने में, मतलब बहुत ही मज़ा आता है इसको। स्वामी सी मैजिक के टूल, या इसमें लगता है आपका 3.0 जैक नहीं है, उसके कारण दिया है एडेप्टर टाइप सी 3.0 जैक, इसमें हेडफोन कनेक्ट कर सकते हो वायर, तो इसको रखते हैं बाजू में। और कुछ ज्ञान के बातें जो ज़रूरत नहीं है जानने का। और एक आता है टीपी केस, बहुत साधारण सा फ्लैक्सी फ़ोन के साथ इतना साधारण सा केस, अगर स्वामी वाला कोई देख रहा है तो फ़ोन के साथ कुछ अच्छा केस दे दो यार। ये रहा अपना फ़ोन, बहुत ही वेट भी है, चलो इसको बाद में देखते हैं अंदर क्या है। 55 वाट का चार्जर है जबकि फ़ोन सपोर्ट करता है 67 वाट और टाइप सी केबल। तो ये सब को रखते हैं साइड में, अब आते हैं मेन फ़ोन पे। OMG व्हाट अ लुक, ये हो गया अपना बैक साइड, ये हो गया फोन। इस रैम को भी हम लोग साइड कर लेते हैं। अब आते हैं इसका साइड और फोन का जो भी है। नीचे की तरफ आपका सिम एजेक्टर टूल है, टाइप सी केबल है, माइक्रोफोन है और हार्मन कार्डन का कील किया हुआ स्टूडियो स्पीकर है। और लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है लॉक अनलॉक का की और इधर वॉल्यूम अप एंड डाउन का स्विच। और फोन से ऊपर का साइड में हार्मन कार्डन का स्पीकर, स्टूडियो स्पीकर, माइक्रोफोन और आपका एयर ब्लास्टर जो स्वामी का हर एक फ़ोन पे आपको मिलता है। राइट हैंड साइड टोटली क्लीन है और इसका जो कैमरा बम्प है सच में बहुत ही बड़ा है। और इसमें 3 सेंसर है, सैमसंग का 50 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 48 मेगापिक्सल का अपर टेलीफोटो लेंस जो आपको डिजिटल 120x और 10x आपका हाइब्रिड है और 5x आपका ऑप्टिकल जूम है। सो चलिए फ़ोन को चालू करते हैं। और डिस्प्ले हो गया आपका 2K एमोलेड सैमसंग का जो डिस्प्ले है। और इसमें आपका 480 हर्ट्ज़ का सिंपलिंग टच सिंपल सिंपलिंग रेट है और 120 हर्ट्ज़ का आपका रिफ्रेश रेट है। और स्वामी वाले ने बोलते हैं कि इसमें 1700 नीट्स ब्राइटनेस है। तो देखते हैं न्यू आई फोन सेटअप हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है डिस्प्ले। हम दिखा रहे हैं 12% चार्ज पे आया हुआ मेरे पास फोन, यूज करने से पहले इसको चार्ज पे लगाना पड़ेगा। और टाइम लग रहा है, ये इसमें काफ़ी बड़ा है फोन और जो जिसका हाथ छोटा है उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगा चलाने में।
और भारी भी है, ज़्यादातर भारी इधर है क्योंकि सेंसर बहुत बड़ा दिया हुआ है इसी वजह से। और सामी वाला बोलते हैं कि आईफोन और एम आपका सैमसंग S21 से बेटर कैमरा है। आईओएक्स मार्क में आपका 145 रेटिंग इसमें है कि टॉप, सबसे टॉप कैमरा है ये अभी तक का। यूज करने के बाद मालूम चलेगा कि सही में काबिल है या बस किताबों में लिखा हुआ है। तो ये रहा इसका डिस्प्ले, इसका फ़ोन। कुछ कुछ ऐप्स है जो इसमें आपको ज़रूरत नहीं है और कुछ कुछ है, कुछ कुछ मुझे तो लग रहा है उतना भी नहीं है, चलाने के बाद मालूम चलेगा। कुछ कैमरा सैंपल हम लोग लेते हैं। डिटेल्स है और इसको यूज करने के बाद कुछ दिन बाद मैं आपको रिव्यू वीडियो देने वाला हूँ। तो एक पॉइंट है, वाइट अगर रहता तो इसमें फिंगरप्रिंट नहीं आता, लेकिन ब्लैक है तो इसमें फिंगरप्रिंट आता, लेकिन देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है और ये सिरेमिक ब्लैक है, ठीक है। और फ्रंट में आपका गोरिल्ला ग्लास फिंगर्स है जो अभी तक का सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन है, लेकिन जितना भी हो गिरेगा तो टूटने का तो डर उतना ही रहता है। तो आप लोग हमेशा प्रोटेक्शन के साथ इसको यूज करें। कवर के साथ मैं डाल के देखता हूँ कैसा लगता है देखने में, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और इसका बम जो कैमरा प्रोटेक्शन करेगा, और ये रहा आपका 2.7 इंच का एक डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले जो आपका इसमें आपका जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जैसे अभी टाइम आ रहा है आप इसमें कोई भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक का इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी और भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।